1936 बर्लिन समर ओलंपिक को देश हॉकी में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए याद रखता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के करिश्मे की बदौलत भारतीय टीम ने जर्मनी को हराया था, लेकिन इसी ओलंपिक का एक किस्सा ऐसा भी है जिसकी खास चर्चा नहीं होती। ये कहानी है जर्मन तानाशाह हिटलर से मेडल लेकर स्वदेश लौटे महाराष्ट्र में अमरावती के रहने वाले 24 पहलवानों की। महाराष्ट्र के खेल संस्थान हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की टीम को मलखम और दूसरे भारतीय खेलों में प्रदर्शन के लिए बर्लिन बुलाया गया था। अपने अपने देश के मूल खेलों को लेकर दूसरे देशों की टीमें भी आई थी। इस इवेंट को नाम दिया गया था वर्ल्ड स्पोर्ट्स पेडागोजिक कांग्रेस। अब बर्लिन जाने की कहानी ये है कि इन 24 पहलवानों की टीम को क्राउड फंड के जरिए जर्मनी भेजा गया। वहां ओलंपिक सेरेमनी हुई तो टीम ने रविंद्रनाथ ठाकुर का एकला चलो रे गीत गाया था। फिर जब इवेंट शुरू हुई तो 24 पहलवानों की इस टीम ने कुश्ती से लेकर मलखम तक जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया, जिसकी खूब चर्चा हो रही थी। दर्शक भारतीय पहलवानों के प्रदर्शन को खूब सराह रहे थे। ओलंपिक कमेटी के रिव्यू और दर्शकों का इस कदर प्यार देखते हुए टीम को एडोल्फ हिटलर ने खुद बुलाया। ओलंपिक के आखिरी दिन की ये मुलाकात करीब 20 मिनट चली, जिसके बाद टीम को हिटलर की तरफ से मेडल मिला। मेडल में नाजी सिंबल भी उकेरा हुआ था। अब 8 दशक से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन खेल संस्थान ने वो सारी यादें सहेज के रखी हैं। हिटलर का ये मेडल देखने पर्यटक भी आया करते हैं।